नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A23 versus Samsung Galaxy A13 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A23 में 6.51 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A23 में 3.03 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A23 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A23 में 0.33 इंच जबकि Galaxy A13 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A23 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 195 ग्राम वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A23 में 82.68% जबकि Galaxy A13 4G में 83.38% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A23 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A13 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A23 में Adreno 610 जबकि Galaxy A13 4G में Mali-G 52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A23 में Qualcomm Snapdragon 680 और Galaxy A13 4G में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A23 में 3 कलर्स जबकि Galaxy A13 4G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी A13 4G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A23 में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A13 4G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी A23 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F41 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10S है, तीसरा रियलमी नाजो 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको M3 प्रो 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।